जब भी हम प्यार में होते हैं तो हम बहुत खुश और इतना हैप्पी फील करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्रेम वाला जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो एक्चुअल में आती कहाँ से है? देखिए, सारा खेल हमारे ब्रेन का होता है। ब्रेन में ऐसे कुछ केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं या उनके जो स्तर है वो इतना बढ़ जाता है, जैसे सेराटोनिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम खुशी महसूस करते हैं। और इन केमिकल्स को खुशी वाले रसायन ही बोलते हैं, यानी हैप्पीनेस वाले केमिकल्स ही बोलते हैं। जब ये डाउन हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन को फेस करोगे, आपको डिप्रेशन महसूस होगा, और ये जब फुल हो जाएंगे तो आप इतना प्रेम से भर जाओगे, आपको इतना आनंद आएगा कि आप सोच नहीं सकते। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे ये सेराटोनिन बढ़ता है? मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जब हम प्यार में होते हैं तो सेराटोनिन डोपामिन जो है वो बढ़ता है और इसकी वजह से हमें खुशी फील होती है। और क्या क्या चीज़ है? देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि सबसे प्रेम भावना से अगर हम रहते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सब पे प्रेम करते हैं, इस नेचर पे, एनिमल्स पे, सब पे अगर आप प्रेम भावना रखोगे ना तो आप वैसे खुश रहोगे, क्योंकि ब्रेन में ये जो हैप्पी केमिकल्स है, सेराटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, इनका स्तर बढ़ता है। तो हमारे लिए मेन होता है कि जो हैप्पी केमिकल्स है वो हमारे ब्रेन में बढ़ना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जो सेराटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती है? तो इसमें से पहली जो एक्टिविटी है वो है सनलाइट। जैसे हम सनलाइट में जाते हैं, कुछ देर अगर सनलाइट, देखिए आप फिरने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, तो ऐसे समय में जाइए, जैसे देखिए घूमने जाना या फिर जो एक्टिविटी है वॉकिंग है, इससे भी सेराटोनिन बढ़ता है, रनिंग वगैरह करना। तो अगर ये धूप में होता है, सवेरे की जो हम बोलते हैं ना फ्रेश वाली, पहली वाली सवेरे वाली जो कोड़ी ऊन होती है उसके साथ अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो सेराटोनिन बढ़ने में मदद होगी, दिन भर आपको जो है वो एनर्जेटिक और फ्रेश फील होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज, जिसमें भी सूर्य नमस्कार अगर हम रोज़ करते हैं तो उससे भी आपका सेराटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन बढ़ता है। उसी के साथ कुछ डाइट है, जैसे उनमें जिनमें ट्रिप्टोफैन होता है, ये ट्रिप्टोफैन जो है, जिन खाने में ट्रिप्टोफैन होता है वो भी आपका सेराटोनिन बढ़ाता है, जैसे मिल्क है, नट्स है, बनानाज है। उसी के साथ मेडिटेशन, हम बोलते हैं ना मेडिटेशन करने से आदमी रिलैक्स रहता है, कोई भी तान तनाव नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि मेडिटेशन करने से सेराटोनिन बढ़ता है, और सेराटोनिन है तो जो भी तान तनाव है, स्ट्रेस है, वो गायब हो जाता है। और इसीलिए डेली आपको जो भी मेडिटेशन अच्छा लगता है वो मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद है लाफिंग, हंसने से भी आपके ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं। उसी के साथ अगर हम बॉडी पे मसाज करते हैं तो मसाज से भी ये हैप्पी केमिकल्स बढ़ते हैं। उसी के साथ अगर आपकी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी है, आपको डांस अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छा लगता है, आपको चलना अच्छा लगता है, आपको स्विमिंग अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, तो जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है वो भी अगर आप करते हैं तो आपके ये हैप्पी केमिकल जो है वो बढ़ जाते हैं। और जो कुछ भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है, जो एडवेंचर थ्रिलर थ्रिलिंग वाली एक्टिविटी, आपने कभी देखा होगा कि जो एडवेंचरियस जो चीज़ें होती है या फिर ऐसी कोई थ्रिलिंग वाली जो चीज़ें होती है वो करने के बाद आपको बहुत ऐसा आनंद आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन में वो केमिकल्स बनते हैं। तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान में रखते हैं, रोज़ सवेरे सनलाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जो आपकी फेवरेट एक्टिविटी है वो अगर करते हैं तो आप जो है वो दिन भर खुश रहने के लिए बहुत मदद होगी, क्योंकि ये सारे हैप्पी केमिकल्स आपके ब्रेन में जो है वो बढ़ जाएंगे और आप एक हैप्पीनेस फील करोगे। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।